अब फोटॉन्स एनर्जी, अब देखो हमारे पास फोटॉन्स है, टू रेडिएशन फोटॉन्स, ये एक की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे की एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर पड़े जिनका वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है। चलो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है और इस पर हमें फोटॉन्स की, एक फोटॉन पड़ा उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और जब दूसरा फोटॉन पड़ा उसकी एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और ये वर्क फंक्शन फाई, ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कहता है द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ रहे हैं फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस में क्या बाहर आएगा, ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा क्योंकि ये जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो यहाँ से इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो उसकी जो यहाँ पर स्पीड, पहले केस में स्पीड V1 है और दूसरे केस में जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो उसकी स्पीड V2 है। तो ये पूछ रहा है कि V1/V2 स्पीड की रेशियो हम लोगों को निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, आइंस्टाइन का इक्वेशन। तो ये आइंस्टाइन का इक्वेशन ये कहता है कि एनर्जी इंसिडेंट जो भी पड़ती है वो दो पार्ट में यूज हो जाती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन दोनों केस, पहले वाले और दूसरे वाले केस के लिए हम लोग लगा देते हैं। पहले केस में कितनी एनर्जी, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ध्यान देना, पहले केस में एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दूसरे के वर्क फंक्शन कितना है 0.5, और प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m V1 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 m V1 स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.5 आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी इक्वेशन को मैं दूसरे बार लगाता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी, देखो एनर्जी कितनी यहाँ से मुझे मिलेगा, इसको बॉक्स में बंद कर दो, तो इंसिडेंट एनर्जी यहाँ से मिलेगी 2.5, वर्क फंक्शन 0.5, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, ये आ जाएगा V2 का स्क्वायर, मैक्सिमम है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1/2 m V2 का स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा वर्क फंक्शन में, इसको घटा दो मतलब 0.20, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है स्पीड का V1/V2। तो फर्स्ट से सेकंड में डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट से सेकंड में अगर डिवाइड करोगे तो V1/V2 का स्क्वायर यहाँ से, और ये मिलने वाला है मुझे कितना था उधर 0.5, और इधर था 0.5, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉइंट इसको हट जाएगा, और ये 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 1/4 आ जाएगा, मतलब V1/V2 की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 1:2, मतलब हम लोग का बी ऑप्शन सही है, ठीक है।